मेरा नाम अमित है, मैं मैनपुरी से आया हूँ यहाँ पे। हाँ अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से अगर मैं छलिया राजनीति की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की जो छलिया राजनीति है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी छलिया काम ही करती है, क्योंकि हर भर्ती को फंसाना भारतीय जनता पार्टी का ये काम ही है। और आप भी बता रहे हैं कि बीजेपी छलिया पार्टी है, तो हमारा भी मानना यही है कि बीजेपी। ये आप ही के कई लोगों ने ये चीजें बोली हैं कि छलिया पार्टी है, मैं उस पर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ तो वो सही कह रही हैं, छलिया पार्टी है, तभी तो आज हम 6 महीने से यहाँ लगातार संघर्ष कर रही हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज हम अपने अपने स्कूलों में होते, और हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति मिले। आज जो अग्निपथ पे जो पूरे देश के अंदर ये हाहाकार मचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी बोई करना पड़े तभी इस नियुक्ति जा करके मिले। दोस्तों ये गर्मी का मौसम है, इसको एक तरीके से पतझड़ हम लोग बोल सकते हैं। और देखिए ये पत्ते जो हैं, ये जो पीपल के पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं पूरी तरीके से। ये पीपल के पत्ते पूरी तरीके से झड़ चुके हैं, लेकिन इनके नीचे बैठे हुए जो लोग हैं उनके हौसले नहीं झड़े हैं। ये बिल्कुल ताजे हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इनको पोस्टिंग देने का काम सरकार करे, वरना कहीं ना कहीं देश का युवा जो ये नाराज है, इसका खामियाजा सरकार को 2024 में भुगतना पड़ सकता है।